आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस रोस्टेड चना यानी भुना हुआ चना से बर्फ़ी कैसे बनाएं। बहुत ही टेस्टी बनता है इससे बर्फ़ी। तो इस तरीके का आप चना ले लें और इसे इस तरीके से मसल कर इसका छिलका उतार सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बिना छिलके वाला रोस्टेड चना भी आता है, आप उसे भी ले सकते हैं। तो ईज़िली ये छिलका उतर जाता है। इसे हमने साफ़ कर लिया है, देखिए इस तरीके से ये साफ़ हो गया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर और इसे पाउडर बना लेंगे। तो बहुत इजी है इसे पीसना, थोड़ी ही देर में ये पीसकर एकदम फाइन पाउडर तैयार हो जाता है। तो हमने इसे पीस लिया, अब हम एक छन्नी में डालकर इसे छान लेंगे ताकि जो इसके मोटे या फिर छिलका का पार्ट है जो भी है वो निकल जाएगा। अब इस पाउडर को हम नाप लेंगे किसी कप से या किसी कटोरी से। तो एक कटोरी हमारा ये पाउडर हुआ है, जांच कर मैं इसे नाप रही हूँ। और अब चलेंगे हम चाशनी बनाने की तरफ। तो जितना पाउडर हमारा हुआ है चना का, उतना ही हम चीनी लेंगे और उससे थोड़ा सा कम पानी हमने लिया है। यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर पहले हम चीनी को घुला लेंगे, पिघला लेंगे। उसके बाद ये देखिए इसमें उबाल आने लगा है और चाशनी हमारी करीब करीब तैयार है। अब हम इसे छूकर देख लेंगे। बस हमें चिपचिपा सा चाशनी चाहिए, कोई तार वाली चाशनी हमें नहीं चाहिए। तो ये हल्का चिकना हो गया है चाशनी। अब इसमें हम इस पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका लम्स तोड़ते हुए, इसकी गुठलियाँ ख़त्म करते हुए हम इसे मिला लेंगे। तो सभी पाउडर को मैंने इसमें डाल लिया है चाशनी में और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा गुठली है वो चाशनी मिलकर घुल जाए। और अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची और 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। अगर आप बेसन से यही मिठाई बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा घी इसमें डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से कम घी में आप और बहुत इजी तरीके से कम टाइम में ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी हो गई है, गाढ़ी हो गई है अच्छी खासी। अब ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो क्या करेंगे, गैस को यहाँ पर बंद करके और थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम एक बटर पेपर ले लेंगे, उस पर थोड़ा सा घी डालकर और उसे इस तरीके से हम फैला लेंगे ताकि जब मिक्सर डालें तो ये इसमें चिपके ना। और थोड़ा थोड़ा करके इस पर सारा मिक्सर डालकर और इस तरीके से हम इसे शेप देकर इसमें रोल कर देंगे। रोल कर और इसे हम 1 घंटे के लिए या जब तक अच्छी तरीके से ठंडी नहीं हो जाए तब तक के लिए छोड़ देंगे। अब ये रोल बहुत अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है और ये अच्छा शेप ले लिया है। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे बटर पेपर को हम निकाल लेंगे। ये मिठाई जितना दिखने में सुंदर है उससे ज़्यादा कहीं टेस्टी है खाने में। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली ये बर्फ़ी है। आप चाहें तो इसके ऊपर ये सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। और आप इस तरीके से इसके पीसेस करके सर्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी है ये बर्फ़ी, और रोस्टेड चने की बर्फ़ी तो बहुत ही हेल्दी है, कम घी में बना हुआ ये मुंह में घुल जाने वाली मिठाई। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।